बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब? उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे, खुश होंगे। मेरे अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक आप सबको हमेशा ठीक रखे और हमेशा खुश रखे। डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। आपने आज की वीडियो को कम्प्लीट देखना है। मामला है 10th क्लास की प्रमोशन का और सेकेंड ईयर पार्ट टू की जो स्पेशल एग्ज़ाम्स होने हैं उनकी कैंसिलेशन का। उस मामले पर जो है आज हम जो है बड़ी इंपॉर्टेंट बात करने जा रहे हैं, तो आपने वीडियो को कम्प्लीट देखना है। तो जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि 10 दिन से बच्चे एहतजाज कर रहे हैं 10th क्लास वालों के साथ, जो ज्यादती हुई। पहले उन्हें प्रमोट करने का कहा गया लेकिन उनको प्रमोट नहीं किया, और अब उनसे कहा जा रहा है क्योंकि वो पेपर दें उस लिहाज से, और स्पेशल एग्ज़ाम वालों को मतलब बच्चों ने तैयारी नहीं की तो पेपर कैसे देंगे, तो उसके लिए वो एहतजाज कर रहे थे। तो कल जो है उन्होंने कहा था बोर्ड वालों ने मीटिंग करने के बाद कि हम 5 बजे जो है आप लोगों को नोटिफिकेशन जारी करेंगे, लेकिन नोटिफिकेशन कुछ ऐसी चीज़ नहीं उन्होंने जारी की और ना ही कोई रिस्पॉन्स दिया। तो उसके बाद जब बच्चों ने 5 बजे बोर्ड में इंटर होने की कोशिश की तो बोर्ड वालों ने मेन जो दरवाज़ा था बोर्ड का वो बंद कर लिया, और जो बच्चे वहाँ पे अंदर थे उनको जो है धक्के दे के बाहर निकाला गया, उन पर तशद्दुद किया गया जो बच्चे वहाँ पे मौजूद थे। इस बात को मीडिया वालों ने भी उठाया, बच्चों ने जो है मीडिया के ज़रिए न्यूज़ चैनल के ज़रिए इस बात को दिखाया कि हम पे जो है तशद्दुद हुआ है। उसके बाद आज जो है एहतजाज नहीं हुआ। बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं कि आज एहतजाज नहीं हुआ तो इसका क्या ये मतलब है कि बच्चों को प्रमोट कर दिया गया है? कि बात वाकई ठीक है कि बच्चों को प्रमोट कर दिया गया इस वजह से आज एहतजाज नहीं हुआ, तो ऐसा कुछ नहीं है। आज जो बच्चे वहाँ पे मौजूद हैं ऐसे मुझे पता चला है, और उनके जो वहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनके दरमियान आज मीटिंग थी बहुत बड़ी, उन्होंने मीटिंग की है आज, और उस मीटिंग में ये डिसाइड किया है कि कल से बहुत ही ज़ोरों शोर के साथ एहतजाज करना है। और यह एहतजाज सिर्फ लाहौर बोर्ड के सामने नहीं होगा बल्कि इस मीटिंग में ये तय पाया है कि जितने भी पंजाब के बोर्ड हैं उन सब के सामने एहतजाज होना है, चाहे वो मुल्तान बोर्ड है, चाहे रावलपिंडी बोर्ड है, चाहे डेरा गाजी खान बोर्ड है, चाहे फैसलाबाद बोर्ड है, साहिवाल बोर्ड है, जितने भी बोर्ड हैं पंजाब के सब के सामने तलबा ने प्रोटेस्ट करना है, अपने हक़ के लिए लड़ना है। 10th क्लास वालों ने ख़ासतौर पर अपने हक़ के लिए लड़ना है, और उसके बाद स्पेशल एग्ज़ाम्स वालों ने अपने हक़ के लिए लड़ना है, और अपने जो है इस फ्यूचर को सिक्योर करना है इस तरीके से कि आप लोगों ने प्रोटेस्ट में जाना है। तो प्लीज़ प्लीज़ मेरी आपसे दो रिक्वेस्टें हैं, दो काम आप लोगों ने करने हैं। अगर आप चाहते हैं कि 10th क्लास वाले प्रमोट हो जाएं, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर वालों को भी प्रमोट कर दिया जाए, नेक्स्ट ईयर में कर दिया जाए, उनका साल बच जाए, तो आप लोगों ने प्लीज़ ये दो काम करने हैं। एक तो काम ये करना है कल जो है आपने जहाँ से भी आप बिलोंग करते हैं कल आप प्रोटेस्ट में पहुँचें, एहतजाज में पहुँचें, पूरे मन एहतजाज करें, इसका कोई इशू नहीं है, अपने मुतालबात उनके सामने रखें। नहीं मानते तो दूसरा काम, जो बच्चे वहाँ नहीं जा सकते, फिज़िकली वहाँ प्रेजेंट नहीं हो सकते, तो उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि कल ट्विटर पे हमारा साथ दें। कल ट्विटर पे हम ट्रेंड चलाएंगे और इंशाल्लाह उसे ट्रेंडिंग नंबर 1 पे लेके आएंगे। हमारे साथ 3 लाख बच्चे हैं, 3 लाख बच्चों के फ्यूचर का सवाल है, तो आप लोगों ने खुदा रा कल हमारा साथ देना है ट्विटर पर भी, और वैसे भी एहतजाज में साथ देना है। कल जो है हम इंशाल्लाह पावर दिखाएंगे अपनी। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के साथ शेयर करें, क्योंकि कल से पहले पहले हमने जो है कल शाम से पहले पहले इंशाल्लाह ट्विटर पर जो है ट्रेंडिंग नंबर 1 पे जाना है और दिखाना है कि वाकई बच्चों की जो है पावर है। तो ठीक है, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप लोगों अगर वाकई चाहते हैं, वाकई आप यहाँ पर कमेंट करने से कुछ नहीं होगा, मुझे नीचे बताने से कुछ नहीं होगा, आप लोगों का एक ट्वीट, सिर्फ एक ट्वीट बच्चों की ज़िंदगी 1 साल जो है उसको उसकी ओर कर सकता है। तो खुदा रा कल जो है हमारा साथ देना है आप लोगों ने, और बच्चों के फ्यूचर का सवाल है ये, हम किसी के बच्चों के फ्यूचर का सवाल नहीं बल्कि हमारे अपने बच्चों के फ्यूचर का सवाल है। ठीक है, अगर हमारे बच्चे तरक्की करेंगे तो हमारा कंट्री तरक्की करेगा। ठीक है, तो ये इंडिविजुअली सारे बच्चे जो हैं ये हमारे अपने बच्चे हैं, तो हम इनके फ्यूचर के लिए लड़ रहे हैं। तो काइंडली कल आप लोगों ने हमारा साथ देना है, और कल की वीडियो इंशाल्लाह जो आएगी उस समय मैं आपको समझाऊंगा आप लोगों ने क्या क्या कैसे कैसे करना है। ठीक है, तो आपने जो है उस वीडियो को भी देखना है। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, पसंद आती तो भी ठीक है, नहीं आती तो भी ठीक है, क्योंकि हमने तो लड़ना है भाई, हमने तो जो है बच्चों के साथ खड़े रहना जब तक बच्चों को प्रमोट नहीं किया जा सकता। तो मिलते हैं किसी ऐसी अपडेट में, जैसी कोई अपडेट आएगी आप लोगों के साथ शेयर कर दी जाएगी। तो चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखें और नोटिफिकेशन ऑल को क्लिक कर लें ताकि वो जैसे मैं वीडियो अपलोड करता हूँ नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो मिलते हैं किसी ऐसी नई वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, अपना रखें ढेर सारा ख्याल, अल्लाह हाफिज़।